हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 एक्सरसाइज 5.4 का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसे हमें सॉल्व करना है। 7 में आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, मैं आपको 2 क्वेश्चंस बता रही हूँ, बाकी के बचे हुए वो आपका होमवर्क होगा। ये आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दी है, इट मीन्स ये आपके रैशनल नंबर हैं। आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। जहाँ पर आपको डबल साइन दिखता है प्लस माइनस, यहाँ पे देखो डबल साइन दिख रहा है, इसे हम वन साइन में कन्वर्ट करेंगे। प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब सारे नंबर के बीच में सिर्फ वन साइन दिखाई दे रहा है आपको। जहाँ पर भी आपको डबल साइन दिखाई दे, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे वन साइन में कन्वर्ट करना है। अब आपको ये सारे जो रैशनल नंबर हैं इनके डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने एलसीएम निकाला, कितना आ गया हमारे पास, 90। अब इस 90 में हम 3 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 90 में 3 से डिवाइड करने पर कितने टाइम होगा आपका, 30 टाइम। और इस 30 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, 31 जा 30। फिर आप 90 में हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो कितने टाइम होगा ये, 45 टाइम। तो 45 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 135। फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 10 जा 90, 10 टाइम। उस 10 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, 10 5 जा 50। अब ये आपका नेक्स्ट है 10। 10 का इसमें किया तो 9 टाइम 9 1 जा 9। ये प्रोसेस हम पहले भी बता चुके हैं कि एलसीएम निकालने के बाद ये जो नंबर आता है, इस नंबर पर हम हर एक डिनोमिनेटर कैसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो आंसर आता है उसका हम इस न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर लिख देते हैं। अब जो पॉजिटिव नंबर है उन सबको हम ऐड करेंगे, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों ही आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, हम सभी को क्या करेंगे, ऐड। ऐड करने पर हमारे पास क्या आया, 89। माइनस 135 अब माइनस करेंगे तो आपको ग्रेटर नंबर माइनस में है तो आंसर काय में आएगा आपका, माइनस में आएगा। 135 माइनस 89 होता है आपका 46 हो जाएगा। ग्रेटर नंबर माइनस में है तो आंसर भी काय में आएगा आपका, माइनस में, ये आपका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का ये फोर्थ नंबर है। ये फर्स्ट नंबर में आपको सिर्फ नंबर दिया है, रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं दिया है, तो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर हम क्या बना सकते हैं, वन। अब ये क्या हो गया आपका, रैशनल नंबर। जहाँ पर आपको डबल साइन दिखाई दे रहे हैं वहाँ हमें सबसे पहले वन साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये सेकंड पोजीशन पर देखो, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस, बाकी सभी जगह वन साइन है। अब हम सारे डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, 2 3 एंड 19, ये हो जाएगा टोटल मल्टीप्लाई करने पर 140। इसमें भी हम वही प्रोसेस करेंगे, 114 में हम फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा, 114 टाइम होगा। और इसका अब हम इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 114 3 जा 342। अब 90 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 6 5 जा हो जाएगा 30। अब 114 में हम 57 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2। इस 2 का हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8। माइनस अब 38 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3। और इस 3 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33। सेम साइन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों ही नंबर आपके नेगेटिव हैं तो हमें इन सबको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और साइन क्या लगाएंगे, जो तीनों में है माइनस का साइन लगेगा। करेंगे क्या हम एडिशन, क्यों, क्योंकि सभी में सेम साइन है। एक आपका नेगेटिव हो गया यहाँ पर 405। अब नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो क्या है आपके पास, +8। डिफरेंट साइन है प्लस एंड माइनस, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे, जो आपके ग्रेटर नंबर का होगा। यहाँ पर आपका ग्रेटर नंबर क्या है, 405, तो हमने माइनस किया, क्या है आपके पास, 397। डिनोमिनेटर सेम रहेगा और ये जो होगा ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह आपको फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन करना है 7th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। अब आपको दिया है कि साहिल एंड रूबी मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, और साहिल जो है वो कितना कवर करता है, 2 होल 1/3 किलोमीटर।
एंड रूबी 2 whole 3/5 किलोमीटर, इसको हमने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 3 2 जा 6 एंड 1 7/3, और ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 3 13/5 किलोमीटर। अब हमें कंपेयर करना है दोनों में से किसने ज़्यादा कवर किया है, तो हम दोनों का क्या निकालेंगे, 7/3 13/5, हम फर्स्ट रैशनल नंबर में सेकंड के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड में फर्स्ट के डिनोमिनेटर का। ऐसा करने पर क्या होगा, दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, अब फिर हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। 7/5 जा 35, 5/3 जा 15, 13/3 जा 39 एंड 5/3 जा 15, दोनों में से ग्रेटर क्या है आपका, 39/15, ये कहाँ से आया आपका, 13/5 से, और ये जो 13/5 है किसने कवर किया है, रूबी ने, इट मीन्स रूबी कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस। अब कितना ज़्यादा कवर किया है तो हमें दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस, तो हमने देखा कि रूबी कवर 4/15 किलोमीटर मोर डिस्टेंस, इतना ज़्यादा कवर किया है किसने, रूबी ने। यहाँ पर आपका वाई कर लीजिए रूबी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे 3 पर्सन है, सुमी, लैला एंड रमित। अब ये तीनों एक गेम खेलते हैं और सभी के पास 12 चांसेस हैं। क्वेश्चन में दिया है कि जो रमित है उसने कितने चांसेस कितने टाइम वन किया है, 5 टाइम, और सुमी ने 5 टाइम क्या किया है, लॉस किया है, उसे लॉस हुआ है, तो उसने कितने टाइम वन किया होगा, 12 टोटल चांसेस हैं सभी के पास, 5 टाइम लॉस हुआ है, तो 12 में से 5 माइनस किया तो कितना हो गया, 7 टाइम उसने क्या किया होगा, वन किया होगा। अब लैला का स्कोर क्या है, 2/3, इट मीन्स जो आपका टोटल नंबर है इसका क्या है, 2/3, तो कितने टाइम उसने वन किया होगा, 2/3 किसका, 12 का, 12 टाइम का हम 2/3 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, टाइम में क्या हो गया, 8 टाइम, और फ्रैक्शन में क्या हो गया, 2/3, तो सबसे ज़्यादा टाइम किसने वन किया, लैला, तो लास्ट में क्या आएगा आपका, लैला वन इन द गेम। ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट नंबर बचा है इस एक्सरसाइज का 10, वो आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके।